गांव को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप खुद देखिए ना, जहां के 10 विधायक हो वहां उपचुनाव समाजवादी पार्टी कैसे हार सकती है। हम आजमगढ़ हारे, आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, चुनाव प्रशासन जीता है, ये DM जीते हैं, ये SP जीते हैं। मुझे तो माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री अच्छा नहीं पार्टी। आज हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। आप देख सकते हैं कि ये अखिलेश यादव का आशियाना है, यहीं से अपनी रणनीति तय करते हैं। खैर, अखिलेश यादव कार्यकारिणी भंग करने के बाद में सदस्यता अभियान चला रहे हैं, नए सदस्यों को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। खैर, यहाँ पर देखिए सशिमा दोहरे जी हैं जो कि समाजवादी शेरनी के नाम से मशहूर हैं। क्या मैम नया एजेंडा अपनाने वाले हैं समाजवादी पार्टी को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं आपको। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी कॉन्फ्रेंस की है और कार्यकारिणी भंग करने के बाद नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें जितने भी हमारे मेहनती कार्यकर्ता हैं उन सबको बराबर की भागीदारी दी जाएगी। और हम लोग यही पूरी कोशिश करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे कि गांव गांव, गली गली, घर घर जाकर अपने यूथ से मिलें, बड़े बुजुर्गों से मिलें और समाजवादी पार्टी की जो भी रणनीतियां हैं, जो भी नीतियां हैं, वो हम उन तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं। तो अब मतलब कि ये समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव गाँव गाँव घर घर जाने वाले? हाँ जी बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे धरातल पर भी उतरेंगे और लोगों के हक की लड़ाई भी लड़ेंगे और सदस्य भी बराबर भी बनाएंगे। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य समाजवादी पार्टी। अच्छा सुषमा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कार्यकारिणी भंग करने की वजह क्या थी आखिर? देखिए, एक संगठन जब पूर्ण हो जाता है आपका तो भंग करना ही है, नई कार्यकारिणी, नए लोगों को जगह मिले जो थे उनके, और उसके अलावा ये मेरा प्रश्न नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया भी होगा कि अगर ऐसा किया है तो उन्होंने क्यों किया है, उनका फैसला हमारे लिए मान्य है। हम कन्नौज हारे, कन्नौज हारने वाला नहीं था, हम आजमगढ़ हारे, आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है और वहां पर भी जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा था, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, चुनाव प्रशासन जीता है, ये DM जीते हैं, ये SP जीते हैं। आप खुद देखिए ना, जहाँ के 10 विधायक हो वहाँ उपचुनाव समाजवादी पार्टी कैसे हार सकती है, क्योंकि हमारे काउंटिंग के टाइम पर माननीय धर्मेंद्र यादव जी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, स्ट्रांग रूम में हेराफेरी की जाती है, समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती ही हराया जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा लोगों के हित की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी रही है। अभी एक योजना आई है अग्निवीर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, युवाओं को बर्बाद कर दिया। वो बता रहे युवाओं के लिए सबसे बढ़िया योजना है, युवाओं को बढ़िया रोजगार मिलेंगे। क्या बढ़िया योजना होगी, चार साल नौकरी करने को मिलेगी? इन्होंने तो मजाक बना के रख दिया हमारे फौज का, आर्मी का सम्मान सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो हम लोग सबसे ज्यादा अगर किसी का सम्मान करेंगे तो आर्मी का ही करते हैं, और उनका भी उन्होंने मजाक बना कर रख दिया है। मेरे हिसाब से इनको आर्मी के लिए बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी। अगर आर्मी के प्रति इनको इतना ही प्रेम था तो उन्हें अच्छी से अच्छी बेहतर व्यवस्थाएं देनी चाहिए थी, ना कि जो उनकी व्यवस्थाएं थी वो उनसे छीन लेनी चाहिए थी। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी से काफ़ी गहरा संपर्क साधने वाली सुषमा सिंह दोहरे जी थी। खैर, आप इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पर नए मुद्दे के साथ, बने रहे हमारे साथ, देखते हैं भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क नहीं है बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ। We'll be right back.